हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप इजी बिल्कुल हिंदी में दिखाऊंगी और सिखाऊंगी करवा चौथ मेकअप लुक। पार्लर को भी आज फेल करेंगे और खुद को पैम्पर करेंगे। हेलो तैयार होंगे एवरीवन, तो मैं कैसे हो बहुत आप ही सब? इजी आई तरीके होप से आप लोग तैयार हुई हूँ। स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी और आपका जो मेकअप है ना बहुत ही फ्लोइंग लगेगा, मतलब कि एकदम फूलों की तरह खिलेगा, ग्लोइंग लगेगा। और दो तीन स्टेप में ही मैं आपको बताऊंगी। और जो एक सीक्रेट है जिससे कि हमारा मेकअप टस से मस, मतलब इधर से उधर नहीं जाने वाला, बिल्कुल ब्यूटीफुल लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और करवा चौथ पे आप इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। मेरे घर में ना, मैं बताती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे घर में कितनी भी शादियाँ हो ना, मैं हमेशा से ही अपना मेकअप खुद से करती हूँ। लोग मेरे मेकअप की तारीफ भी करते हैं। अभी लास्ट में मेकअप बहुत ही माइंड ब्लोइंग करवा चौथ मेकअप लुक, आई होप अगर आप शेयर जरूर करना है तो स्टार्ट करते हैं। हमको हमको ये लगता है कि करवा चौथ में सबसे बेस्ट हम लगें। बिल्कुल लगोगे, आपका जो मेकअप होता है ना वो चार चांद लगा देगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम मेकअप सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ तो मेरा फेस ऑलरेडी अच्छे से वॉश है। अगर आपका फेस वॉश ना हो तो अच्छे से वॉश कर लो, और कोई प्रोडक्ट आपके बालों में ना जाए तो आप कोई हेयर बैंड वगैरह लगा लो। ठीक है, तो मैंने ये लगा लिया है। हल्के से मेरे बाल गिले, शैम्पू नहीं किया, लेकिन जब नहाते हैं ना थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले आपको कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, तो मैं VLCC का ये नेचुरल मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी फेस पे। और ये इसीलिए होता है कि आपकी स्किन जो स्मूथ बन जाए, और जो जिसकी ड्राई स्किन हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मॉइस्चराइजर स्टेप अप्लाई क्या है, आपको लगाना होता है प्राइमर। ठीक है, अगर आपके पास प्राइमर है, अच्छा वाला प्राइमर अगर आपके पास है तो आप प्राइमर अप्लाई करो। अदरवाइज आपके पास प्राइमर नहीं है ना तो ये है एलोवेरा जेल। ठीक है, मैं इजी बताऊंगी करेंगे। ठीक है, अपने फेस पे ये क्या करेगा, ये आपका प्राइमर का काम करेगा। और प्राइमर का काम क्या होता है, प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन पे ना, आपकी स्किन को स्मूथ बनाना, ताकि आप जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना तो वो स्किन में ना जाए और आपका जो बेस है ना वो बहुत अच्छे से लग जाए और पैची पैची। एलोवेरा मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब मैं ये बता रही हूँ कि मैं लगाऊंगी सीरम, मतलब ये फेशियल ऑयल है, ऑयल लगा लो, सीरम लगा लो। मैं इसलिए लगा रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी, मतलब मैं विंटर के हिसाब से बता रही हूँ, सर्दियों के हिसाब से बता रही हूँ। मैं इसीलिए इसे लगाती हूँ ताकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती। अगर मैं बहुत अच्छे से मेकअप कर रही हूँ, उसे करवा चौथ या फिर किसी पार्टी के लिए कर रही हूँ, तो मैं कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करती। तो मैं ये थोड़ा सा ना, ये ऑयल है, ये फेशियल ऑयल है। और अगर मैं आपको बताऊँ, जिसकी ड्राई स्किन है और उसके पास फेशियल ऑयल नहीं है ना, तो जो बेबी ऑयल होता है ना आप वो भी लगा सकते हो। ये कलर बार का ही फेशियल ऑयल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए ना, तो बहुत 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 अच्छा है। जब लगाओगे ना तो आपको सबसे पहले लिप बाम लगाना है जाएगा। ठीक है, अब जब तक हमारा ये जो ऑयल है ये स्किन में ऑब्जर्व हो रहा है तो हम आई मेकअप की तरफ चलते हैं। तो कोई भी आप स्टिक ले लो, देखो ऑलिवे की स्टिक बहुत ही ईजिली और बहुत ही सस्ती में मिल जाती है आपको, और मेरे को ये सस्ती की बात नहीं है, ऑल टाइम माई फेवरेट है ये ऑलिवे की स्टिक। इसे क्या होता है कि आपका जो डार्क एरिया होता है ना, जो भी आपका ड्राई एरिया ना, आप ये वाला लगा सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल आई मेकअप के लिए फिंगर से लूंगी और इस तरीके से ना पहले अपने आई पे लगा लूंगी। ये क्यों लगाएंगे, ताकि आपका जो आई मेकअप है अच्छे से हाईलाइट हो, अच्छे तरीके से ना खिल कर आए और दिखाई दे। ठीक है, ऐसे अगड़म झगड़म करके ही आई मेकअप कर देते हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ। तो कोई भी आपके पास, जरूरी नहीं है कि ऑलिवे की स्टिक हो, कोई भी आपके पास फाउंडेशन हो ना, आप उससे ना पहले इसको अच्छे से बेस बना लेता। बेस बनाने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका जो आई मेकअप है ना, आप अगर थोड़ा बहुत भी नॉर्मल भी करोगे ना वो भी खिल कर आएगा। ये लग गया है, अब हम आई मेकअप को अच्छे से करेंगे। तो मैं आज पहनती हूँ रेड ड्रेस, क्योंकि हम करवा चौथ मेकअप क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे पास देखो ईजी एंड एकदम सुपर स्टिक, कोई भी आपके पास लिपस्टिक हो जिस भी कलर की हो, और अगर जरूरी नहीं है कि आपको मैचिंग ही करना है, आई मेकअप रेड भी पिंक भी अच्छा लगता है या फिर गोल्डन, ये सब भी चीज़ें अच्छी लगती है। तो अब हम, मैं ना कोई भी लिपस्टिक से ना
क्योंकि मैं रेड पहन रही हूँ, तो मैं इस तरीके से फिंगर की हेल्प से ही करूंगी। आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगी कहीं पर भी, गोल्डन कलर की डिप्पी ले लेना। और ये चूरा चूरा टाइप का होता है, चूरा सा होता है ना उस टाइप का होता है, तो आपको फिंगर से ना इस तरीके से ले लेना है और इस तरीके से ना रेड पे डिप डिप करके लगा लेना है। देखो इतना इजी तो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। और इजी का मतलब ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगने वाले हो। ब्राइडल लुक चाहिए या मतलब लगना है कि आपको आप ही दिखो पार्टी में, तो सबसे बेस्ट जो मेरा अब तक का रहा है शुगर फाउंडेशन स्टिक, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपको ब्रश भी मिलता है एक साइड पे, ये ब्रश है इसका, ठीक है, ये आप इसका ब्रश हो गया। और सेकंड तरफ आपको बेस मिलता है, ठीक है। अब मैं कैसे लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि मुझे फिंगर की हेल्प से ऐसे करके लगा के फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे इक्वल कर दूंगी, अच्छा कवर करें। फ्रेंड्स ये देखो मेरा बेस तैयार हो गया है। अब बेस क्या तैयार हो गया है, अभी ना मैंने ले लिया है कोई भी लूज पाउडर। तो लूज पाउडर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है, मैं जब भी किसी फंक्शन में जाती हूँ कुछ, मेरे को सबसे बेस्ट ना ये लगता है। और अगर वैसे नॉर्मल मुझे मार्केट भी जाना हो ना, तो मैं कुछ नहीं लगाती, सिर्फ वाइट एंड पाउडर लगा लेती हूँ, उससे ही इनफ हो जाता है, ठीक है। और पता है आपको ये लगता होगा ना जब आप मेकअप करते होंगे कि आपका फेस बहुत वाइट वाइट लग रहा है, तो बताएं उसको कभी भी ऐसे हल्का करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आपकी स्किन में ना ऑब्जर्व हो जाता है। फिर वो ये देखो बेस सेट, अब क्या करेंगे, अब आईब्रो फिल करेंगे। फ्रेंड इससे पहले आपको हाइलाइटर भी लगाना है, वो स्किप हो गया, ब्रश से ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो ब्रश से ही बनता है। अब हम लगाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप लोग बताओ, लिपस्टिक। लिपस्टिक फ्रेंड्स ये देखो मैंने लगा ली है लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही है ना। और अब इस पे लगाएंगे हम बिंदी, और करवा चौथ मेकअप है तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि आईलैशेस लगाना भी बताना, तो मैं आईलैशेस, पता है क्या होता है आईलैशेस से इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना मेकअप, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। आईलैशेस लगाने से पहले हम लगाएंगे आईलाइनर ताकि इक्वल लगे, तो मैं लगा लेती हूँ। आईलाइनर लग गया, अब हम लगाएंगे आईलैशेस। तो देखिए ठीक है, ये मेरी पुरानी पड़ी है, नई मेरे पास है, वो मैं करवा चौथ पे लगाऊंगी। फिलहाल ये भी अभी मैंने एक दो बार ही लगाई है, तो इसकी ये जो ट्यूब है ना, इसको हम कहीं, तो ये ग्लू है ना, ग्लू को पीछे की साइड पे इस तरीके से लगा लेंगे, इसको इसकी हेल्प से ही आईज पे ना इस तरीके से रखेंगे, नीचे की तरफ से पकड़ेंगे इसे। और फिंगर से ना इसको इक्वल कर देंगे, और इससे ना मैं इसी से लगा लेती हूँ, बहुत इजीली लग जाता है। ये देखो दोनों आईलैशेस मेरी लग गई हैं, अभी थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा छेड़ना नहीं है इसे। और आईलैशेस क्या होता है कि बहुत सुंदर आपकी आईज लगती हैं, मतलब मेकअप बहुत प्यारा लगता है। अभी मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और जो भी कमी रह गई है वो करते हैं, जैसे कि मुझे चूड़ी वगैरह पहनने, नाक में ना एक आर्टिफिशियल लेकर आई थी वो पहनने हैं, तो वो सब चीज़ें मैं पहनती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या रह गया। और एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेटिंग स्प्रे, इससे क्या कर सकते हो आप अपने मेकअप को ना सेट कर सकते हो। और ये होने के बाद तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही माइंड ब्लोइंग मेकअप। फाइनल लुक देखो, मैं आपको बताती हूँ, हेयर स्टाइल आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ये जो जिगजैग वाला हेयर बैंड मिलता है ना, आप उसी को इजली इस तरीके से लगा के आगे करके ऐसे आगे करोगे ना, तो ये आपका इजी हेयर स्टाइल जाएगा। और क्या करना है आपको, बताना है, एक बन बना लेना है आपको ना, बस इस तरीके से बन बना लेना है और आपका इजी हेयर स्टाइल आपका हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ना यहाँ पर ग्रीन कलर का ये इसलिए पहना था कि रेड पे ना ग्रीन बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है।
और ये देखो चूड़ा वगैरह मैंने पहन लिया है। मांग टीका तो इजीली आपका लग जाएगा, आप जब हेयर स्टाइल कर भी लोगे ना तब भी यहाँ से निकल के इजीली लग जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और आप इस तरीके से सर पे चुन्नी लेकर भी तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और आपका मेकअप है ना, मेकअप आपका टस्सी मस नहीं होगा, आपका बिल्कुल मेकअप बढ़िया रहेगा। ये है मेरा प्रॉपर लुक, रेड कलर का लहंगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा करवा चौथ फाइनल लुक, अगर आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने किया, अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, योर लव एंड सपोर्ट बस मैंने कोशिश की है। और बाकी आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना कि मैं करवा चौथ पे किस तरीके से मैं करवा चौथ पे किस तरीके से तैयार होती हूँ आप लोग ज़रूर देखना। बाकी इस तरीके से ही तैयार होंगी, बाकी ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, वो तो सरप्राइज होता है यार, हर कोई करवा चौथ पे ही वेयर करता है। बाकी ये भी रेड कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा लहंगा है, बहुत प्यारा सा मेरा ये लहंगा है, ब्यूटीफुल सा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।